नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय। अगणित दर्शक मानंकु अर्गस टीवी प्रसारित त्रिनयन कार्यक्रम रे बारंबार स्वागत एवं समस्तंकु प्रणाम। परम रहस्यमय भगवान शंकरंकर कथा आपण माने श्रवण करूछंति। भगवान शंकर एभली एक देवता जहांकर आश्रित भक्त माने स्वभावतः एवं सामाजिक स्तर रे से माने निजर अस्तित्व को जाहिर करथांति। कारण देव ऋषि प्रजापति यक्ष रक्ष मानव समस्ते जी जेतेबेले शिवंक पाख को जाई थाए शिव समस्त को स्वीकार करथांति। एमिति देखिबे भूतंकर से अधिपति तेणु तांकर नाम होचंति भूतनाथ। भूत प्रेत मध्य तांकर आश्रित, राक्षस माने मध्य आश्रित, देवता मानव बानर नर ए समस्ते तांकर आश्रित। तेणु साधारण देवता नुहंति भगवान शंकर। ए शंकरंकर प्रसिद्ध कथा प्रसंगरे आज आलोचनार विषय वस्तु रहिछंति शैव उपासक रावण। रावण जहांकु आपण माने जानंति ये राक्षस बोली कुहा जाए सी मध्य शिवंकर उपासक। ये प्रसंगरे जेतेबेले आलोचना को आसंती एक कथा स्पष्ट हुए। कौन से घटना ना समुद्र मंथन रे उच्चैश्वर बा ऐरावत पारिजात लक्ष्मी चंद्र अमृत इत्यादि चौदटी जो अपूर्व वस्तु बाहरी थिले ताकु समस्ते बांटी नहीं गेले एवं देवता माने विष्णु को ढाल करी असुर मानंकु अमृतरु वंचित करैले। यही कथा जेतेबेले असुर मानक दरबार रे आलोचना हुए कहले सीसिना से मानंकु देवता माने ठकी दिले आमे तार प्रतिशोध नेबा। माळी सुमाळी एवं माल्यवंत ये तीन जन प्रसिद्ध असुर जो माने अत्यंत बलवंत विचार कले जे आमे युद्ध करिबा। काहे कि युद्ध करिबा ना बिना युद्ध रे आमको आमर पूर्व जिनिस मिलिबो नाही। जिमितिका पारिजात नहीं कि इंद्र रखिछंती, ऐरावत रखिछंती, हाथी की रखिछंती, लक्ष्मी की विष्णु रखिछंती, तो सब सब जिनिस नहीं गेले। आमे अधिक परिश्रम करथिले आम पूर्वज किंतु ए माने सब नहीं जाइछंती। आमे युद्ध करिबा सब जिनिस को आमे आनिबा। जेतेबेले ए कथा आलोचना हला बाजिला युद्ध बाजा एवं स्वर्गर देवता माने अकस्मात ए युद्धर आह्वान को स्वीकार कले। कारण अन्य गति नाही। जेतेबेले युद्ध घोरतर भाव रे अनुष्ठित हला से युद्ध रे बार बार लड़ई रे अनेक मृताहत हेले, केते मले, केते खंडिया खाबरा हेले, केते अधामरा हेले। तेणु युद्ध रे जहाँ घटना घटिबा कथा सही भली घटना सबू घटिला। जेतेबेले युद्ध रे देवता माने विचार कले असुर मानक पाखरे आमे पारिबा नाही, विष्णु को डाका पकेले। सकाळे होई एक मुख डाकिले नारायण रख। नारायण जे विश्वर मंगलकर्ता हठात ओल्हे आसिले। आपण जदि देखिबे शिव आउ विष्णुंकर तत्व को शिव को जदि हठात डका हबो युद्ध करिया पई तांकर क्षति नहले से मोटे सुनिबेनी। किंतु विष्णु तांकु डाकिला मात्रे विपद समय रे पक्ष नै जिवे। दी भाई भितर युद्ध पांडव आ कौरव विष्णु पक्ष ने अर्थात कृष्ण पक्ष नहीं गले पांडव मानकर। सेमती
बाली सुग्रीव मानक भितर लड़े इतरे तैयार भगवान श्रीराम जी विष्णु अवतार से सुग्रीव पटे समर्थन कले तेणु विष्णु काम होला सी कौन गोटे जो देखिए जी अन्याय करुच्ची ता विरुद्ध न्यायवाला पटे से पक्ष नहींजे कि शिव को डाकबे भगवान शिव से कथा शुणवे शिव सब निष्पक्ष सी के बड़े हठात क्या कथा ग्रहण करेन कि युद्ध सामिल है तेणु ये युद्ध देवता असुर मानक युद्ध जितेबले समस्त देवता माने मिलित कंठरे कातर कंठरे आकुल निवेदन करिसंती परम ब्रह्म विष्णु चरणारविंद तले नारायण ताकु ग्रहण करिसंती एवं युद्ध को पलै आसंती सबुठारु आकर्षणीय बलवान अस्त्र होचंती विष्णु आयुध चक्रराज सुदर्शन जहाँ को सुदर्शन ध्यान रे कहगला उग्रं सम्यं प्रशांतं मणिमय मुकुटं कोटि बालार्क समं कांति ये होंगे से चक्रराज सुदर्शन एभली एक अस्त्र हाथ में घूरु थे जोटी जीवा कथा कार्य संपादन करेंगे पुनर्वार फेरी आसवे साधारण अस्त्र नुहे तेणु सुदर्शन को जितेबले भगवान आयुधराज करण विष्णु जो चारिटा भुज सशंख चक्र सकिरीटकुंडल सपित वस्त्र सरशिरुक्षण शंखचक्र गदापद्म धरी चारि आयुध भितर बेसी प्रभावी आयुध होती तत्काल फल देवे या इंग्रेजी इमिडिएट आक्शन कहती डेरी डूरा ना सांगे सांगे जेसा को तेसा नीति में फल देवा अस्त्र आयुध होती चक्रराज सुदर्शन भगवान चक्रराज सुदर्शन को पठेले कहे से माली सुमाली माल्यवंत ये जो तीन टा बेसी उत्पात होती गोटे को आगे गड़ेलु तापर दिअंते हरी सुदर्शन छाड़ी माल्यवंत दानवर मुंड गला छिड़ी एमंत गति की देखी सकल असुर रण क्षेत्र छाड़ी भय हेले छार खार जेतेबले गोटाए मूल लोक ये सेनानी सेनापति चक्र रे ता बेक कटिगला युद्ध क्षेत्र रे जहार वीरगति हेला आउ जो माने थिले ये समस्ते विकल रे अरे जणे जदि हमरो मुरवी चली गलानी ताला कोन हबो ये बोधे माडीकरी आसीबो चक्र आम आडुकु समस्ते युद्ध रु छत्र भंग देकि पलायन कले जाहु भगवान विष्णुंकर ए अहैतिक कृपा हेतु युद्ध रे राक्षस मानक ठारु देवता माने निजकु सुरक्षित मणिले एपटे माली आउ सुमाली रहिले माली सुमाली दुई जन दत्त्य तांकर झियो होचुन निकसा निकसा को डाकिले कहले झियो आमे गोटे कथा कहिबु से कथा अनुसार तू काम भी करिबु सुमाली दैत्य झियो निकसा को कहले झियो ई जो सुंदर लंका देखुछ सुनार लंका ये लंका को आमे जदि करायत करिबा ताले तुमको गोटे काम करिया के पड़िबो ना कौन ना ये लंका आमर आयतरे थिले आम को युद्ध रे हरई विश्रवा ऋषि पुओ कुबेर जे जक्ष बोली मान्यता प्राप्त धनपति कुबेर लंकार अधिपति होती निकसा कहले बापा लंका को मु झियो पिलाटे केमिति के अधिकार करिबी कहले माल सेमती का अधिकार नुहे ते गोटे भल जगार नहीं कि पहुँचेबी से जगार जदि तू निजर बुद्धि प्रयोग करें लंका को पुनर्वार पाई सुबल नामक पर्वतर जड़े महान तपस्वी तपनिष्ठ सन्यासी विश्रवा ऋषि रोचंती तूरी पाखे जदि पत्नी भाव कले बले कौशले संतान जन्म करू ताले से ही संतान को परवर्ती समय रे आमे लंकार अधिपति करेबा कहला बापा चलतु देखा जितेबले सुबल पर्वत रे बापा सहित जा पहुँचिले निकसा देखला बेलू विश्रवा मैंने बहुत वयस्क ऋषि एपटे निकसा तांकर जुबा वयस बाबाजी जीवा वयस निकसा बापा को अनैले कहली ये मो बापाटी
ये बुढ़ा बर को झी सहित छंदवापी खूब बापा चाहम ओडिया गोटे कथा नहीं खंडिया घर भेंडिया बर फस माड़ कर कर झी कह चल टोकाटा सुंदर अच्छी ताले मोर कि असुविधा नहीं कन्या बर एत रूपम किंतु बापा एमती कौन बाछिले बुढ़ा बाबाजी बाबाजी बाड़ी धोले चलुची तारी सांगे मत बाहा करेंगे ओडिया विषय कथा मोर अच्छी पक्का घर बुढ़ा बर लुह बोहू थ सर सर निकसा कहले बापा यही जगार मत बाहा करेंगे कहले झी आम असुर मानकर कूल परंपरा एवं हृत गौरव को फेरे आने ते त्याग करने को पड़ो तु जदि चाहबू तेल तो द्वारा एभली एक आम परंपरा उद्धार हाँपाई सुविधा हो पार निकसा निज जाति निज पितामाता सम्मान राजी हो गले विश्वरबा पाखे जिते बड़े रे निकसा निपुण जौवना देहरे माने सौंदर्य लहड़ी भांगुची बोली कह जाए विश्व बाबा बाबाजी निकसा को पत्नी रूप से पाई बहुत खुशी हो गले क्रमान्वय किछि दिन परे गोटे संतान जन्म हेले आउ से संतान जन्म हेला बेले प्रचंड भयंकर राब देले से एभली भावरे राबिले से राबरे समस्त जगत मोहाच्छन्न हेले किए एमितिका चित्कार करुची एवं से पिलाटी जन्मरु राब देथिबारु तांकर ना रखागला रावण जनमरु घोर राब छाड़ा ये जेणु रावण बोलिया नाम दिया जाऊ तेणु तेणु नाटी दिया गला रावण रावण क्रमान्वय बड़ ही बड़ है विश्वरूषि कुबेर को डाकी कहला रे कुबेर ये भी तोर सान भाई या टिके टिके स्नेह जत्न करू या पाठपढ़ार दायित्व निए या विद्याबुद्धि छंदशास्त्र व्याकरण सब शिखा अस्त्रशस्त्र शिखा सामाजिक नीति शिखा कारण तू तो बड़ भाई तोर तो सब विद्या जना सान भाई टाइम गेल बसर करे कुबेर बापा कथा मानिले सान भाई की जत्न कले कुबेर सेतबेल समय रे प्रसिद्ध विमान पुष्पक विमान आरोहण करती आकाशे पुष्पक विमान जीवा आसिया करती आउ जेतेबेले जेहेतु से जक्ष राजा व्यवहार करूथिबा विमान को रावण दिने कहले नना आ मते विमानटा देले केमिति का हंता मु टिके चलिया चली करंती कुबेर मना कले कहले नाही सेमते हाई पारिबनी रे भाई ए अटई देवजान देवंकर भोग्य तू काहू होइबु एथि बसिबाकु योग्य सुवर्णर जान गोटी तोते देवी सीना तु बसि न पारु एथे शिव आज्ञा बिना बुझे देले कहले शुणु कहबु जदि सुनारे गोटे जान तैयारी देवी सुनार विमान करदेवी ता देहरे बसि पारु कि पुष्पक विमान हम नहीं रावण टी मन उणा कले कहले आम तो गोटाए बापर दीटा एक पिला माँ अलग किंतु तुम्हें बस मु कहीं बस भी कुबेर बुझेदेले कहले भाई शुणु ये जानरे बसवा को हेले शिवंकर आज्ञा दरकार शिव कृपा नहले शिवंकर अनुमति नहले ये जानरे बसी हब ना ये रावण जाकि पहुँचिले बापा पाखे सकेले बापा कहले कहीं कांदुचु ना बापा कथार अच्छी भाई की भाग मड़ा को काठ जानटा कुबेर भाई एकुटिया चढ़े मत देवेनि कहला मत कौन शिव को आराधना करने विश्रवा कहे शुणु से ठीक कही ची। तोर जदि सेमती राजा हवा को इच्छा सेमती जान आरोहण करने को इच्छा ताल तू शिव को भगवान शंकर को महादेव को उपासना कर निश्चय सफल हबु तुझे वे राजा होइबा पाई पंचु मन हरंकु तपस्या कर जाइण बहन मोह बोल मानी सेवा कर तू शंकर
निश्चय प्रीत होई बर देवे से हुहार। बापा जेतेबेले कहिले पुआ आउ कौन करिवे, पुओ बाध्य होइकरी कथा को मानिले। आज्ञा गुरुणां विचारणया, यही न्याय रे कथा आज्ञा को अवज्ञान करी सुरधार्य करी बाहरी पड़िले शिवंकर उपासना करिबा पई। जाह्नवी तटरे भगवान शंकरंकर उपासना करिबा पई रावण निजर स्थान निरूपण कले। जाह्नवी तटरे ऋषि उपमन्यु पासे शिव आराधना पाई चलिले हरसे। जड़े गुरु दरकार, बिना गुरु रे तो किछि होबा नै। बेले बेले आम संस्कृति रे आमे को आमे सब जानिचु ना आज्ञा, सबु कथार मार्ग होचंती गुरु। गुरु चाहिले सबु करिवे। उपमन्यु को पाखरे पहुंचिले रावण, उपमन्यु बतेले बाट कि भली भाव रे शिवंकर प्रिय हे पारिबो। तेणु उपमन्युकर निर्देश रे कि भली भाव रे रावण आराधना कले एवं सफलता पाइले। जाह्नवी तट आपण मन विचार करिवे, शास्त्र रे बहुत निर्देश दिया आइछि, मंत्र रे योग रे जपरे तपरे ये सब सिद्धि करिया पे सब स्थान निरूपण कराई। बेलगछ मूल एमती गोशाला नदीकूल श्मशान अनेक जगह सब निरूपण कराई। यदि जगह ठीक है से अनुसार सिद्धि चंचल हे। जाह्नवी तटरे रावण शिवंकर उपासना करसना कर अंतिम पर्व जिते साधनार अंतिम पर्व यज्ञ कुंड कले। यज्ञ होमर जो साकल्य समिध सब अर्पण करी घृताहुति पूर्वक तांकर एक अपूर्व यज्ञ से करुछंती दश मुंड बोली कह जाए रावणकर। सेतिपय रावणकर गोटे ना होची दशानन, गोटिए लेखा मुंड को मोड़ी शिवंक प्रीत्यर्थर अर्पण कले। गोटिए परे गोटिए जेतले नौटा मुंड को रावण मोड़ी पकेइछंती, दशम मुंड मोड़ीला बेले भगवान शंकर आविर्भाव हेले। जप ध्यान तप संगे कठोर साधना मुंड मोड़ी यज्ञ कुंडे विसर्जना नमोड़ ए मुंड एबे मागी घे नर महासंतोषे बदंती श्रीमद शंकर। कले बापा हे तोर दसटा एक मुंड, ता भितर नौटा मुंड मोड़ी यज्ञ कुंड विसर्जन कर सारू, ये हूँ शेष मुंड। याकू जदि तू पकेबू तोर आर रही मुंड नथिले विचार रही जीवन केमितिका रहिबो। तेणु आ मुंड मोड़े ना काईकि ये कठोर तपस्या करुच्छे मत कह। भगवान शंकरंकर जेते आश्वासना बाणी शुणीपे निजर उद्देश्य लक्ष्य को रावण प्रशस्त भाव वर्णना कर कहले भगवान मत एमितिका बर दिंतु जमीका मु चतुर्दश ब्रह्मांड रे समस्त निकटे मु विजयी हो पारि युद्ध जयी हो पारि। आप देखिए पुराण मानक ब्रह्मपुराण नारद पुराण गरुड़ पुराण कुर्म पुराण भविष्य पुराण ब्रह्मपुराण लिंग पुराण जिते पुराण अच्छी अष्टादश पुराण सबू पुराण से मागवा कथाटा अच्छी बर मागवा कथा सबू पुराण अच्छी भागवत हो महाभारत हो बर मागिबा आ दबा ये कथा आलोचना अच्छी। ये रावण मागुची जदि मागिबा लोक ठीक ढंग से न मागि पारिब ताले मागिबार मूल्य किछि न थाए। मनकर राजा प्रसन्न होइछंती जने साधारण प्रजा को कहउछंती जहाँ मागिबु मु दे देबी। प्रजा को डाकिले मंत्री पचारुछंती राजा कहउछंती तांको आगे तमे जहाँ मागिबो तमको दिया जिवो। से साधारण प्रजा से कोन केमितिका मागिबो जानी पारलानी। कहिला प्रभु मो स्त्री आज घर बाहर बेले कही गोटे कखारू नवा को हाटर मुँह कखारु हाटर कहीं कि आपड़ मत आज गोटे कखारु दे दिंतु ताल से कौन ठीक मागिला कि ठीक मागिलानी। कारण जदि से राजा को मागि था पचास बाटी बिल राजा दे था मागि था किले सुना राजा भी दे था अरे ताकू न मागिकी तुच्छ वस्तु टे मागिला। तेणु मागवा लोकर दिलटा सेमती हवा दरकार। लक्ष्मी पुराण में आप देखिए महालक्ष्मी जिते श्रियाचंडाणी घर विराजमान कर पचारे कहे श्रीया कौन मागू बर मगुनु श्रीया हाथ जोड़ी दे कहला माँ कि बर माग भी मागो मागि न जान कहला कौन मु बर मागि मु जानी पारुनी गोगस्त को देवु मात्र लक्ष्य पद्म गाई कहला गाई दिए आउ कौन देवु ना हस्त को कंकण कोल को नंदन जे हस्त को सुना बाही
ସବୁ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ମାଗିଲେ, ଶେଷକୁ ମାଗିଦେଲେ ଅମର ବର, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ ଏବଂ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ମାଗିବା ଏକ କଳା, ଟେକ୍ନିକ୍। ଯଦି ତୁମେ ମାଗି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ପାଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ସବୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାଗିଲାନି। ରାବଣ ମାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ମୋର ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ, ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ, ବୀର ଭାବରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ତାମସିକ ଭାବନା? ଏଥିରେ ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନା ଅଛି କି ନା ରାଜସିକ ଅଛି, ତାମସିକ ଭାବନା। ତେଣୁ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ବାବା ଯାହାର ଯେପରି ମନ, ଯାଚିକିରି ମୁଁ ସେୟା ଦେଇଦେବି, ନିଏ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବୁ। ଏବଂ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଗଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଉପରେ। ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଭାଇ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଗେ ପରିବାର ଭିତରୁ, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜର କରାମତି କାର୍ତ୍ତିକି ଦେଖେଇଲେ। ଏବଂ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର, ଯିଏ ଅଗ୍ରଜ ବଡ଼ ଭାଇ, ବନ୍ଦନୀୟ ପୂଜନୀୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ବିଦାୟ କଲେ। ଏବଂ ଭୟରେ କୁବେର ସପରିବାରେ ଲଙ୍କାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ହେଲେ ଅଧିପତି, ଆଉ ପୁଷ୍ପକ ଯାନର ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଛୋଟିଆ ହୋଇଯିବ, ମଞ୍ଜି ଯଦି ଭଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଗଛ କେମିତି ଭଲ ହେବ? ଜଣେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇକିରି ଯଦି କହିବ ସେଥିରେ ପଣସ ଧରିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ କଥା। ଯେମିତିକା ମଞ୍ଜି ସେମିତିକା ଗଛ। ତେଣୁ ବିଚାର ଯେମିତିକା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ରାବଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା, କେତେ କଠୋର ତପ, ସବୁ ଆଜି ପାଣିରେ ଫଟକା ଭଳି ମିଳେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ରହିଲା କି, ଲଙ୍କା ରହିଲା ନା ସେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ରହିଲା? ବିଚାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ସରକାର ଲଙ୍କାରେ ରାବଣର ବଦ୍ଧ କଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବାରୁ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଶିବ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାବଣର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସେ, ଭଗବାନ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୈଳାସକୁ ଟେକିବି, ନିଜର 20ଟା ଭୁଜ, ବିଂଶବାହୁ ବୋଲି ରାବଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, 20ଟା ଭୁଜରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମକୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇବା ପାଇଁ କୈଳାସକୁ ଯାଇ ଉତ୍ପାଟନ କଲା। ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କୈଳାସରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। କୈଳାସ ଶିଖର ଆସିନ ଗୌରୀ ପୃଚ୍ଛତି ଶଙ୍କରମ୍, ଗୌରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପାହାଡ଼ କାହିଁ ହଲୁଛି? ନାରେ କେମିତି ଜାଣିବା ପାହାଡ଼ ହଲୁଛି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପାହାଡ଼ ତ ହଲିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଭୂଧର, ଭୂ ମାନେ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ଯାହାକୁ ଧରିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଧର, ପାହାଡ଼କୁ ଧରିଛି ପୃଥିବୀ। ୟାର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଟଳ ହେଲା, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା 8ଟା ଜାଗାରେ 8ଟା ପର୍ବତକୁ ରଖିଦେଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିରତା କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ଟଳମଟଳ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଭୂଧର। ତେଣୁ ଇଏ ହଲିବା କଥା ନୁହେଁ, ଶିବ ତାପରେ ଚାପି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ରାବଣ, ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲା ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ରାବଣ ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପରମ୍ପରା ଶୈବ ପୁରାଣରେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭୁଲ କରିଥିବା ଯୋଗରୁ ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶତମ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶିବ ଏପଟେ ବର ଦେଲେ, ସେପଟେ ହନୁମାନ ରୂପରେ ଯାଇକି ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିବ ଉପାସନାରେ, ଶୈବ ପରମ୍ପରାରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ରାବଣ ତାଙ୍କର କେତେ ଠିକ୍, କେତେ ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅମୋଘ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଏହି ତ୍ରିନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ।